इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। ये हमारी जिंदगी का हर रोज जरूरत बन चुकी है और इस समय उंगलियों के दम पर ही सारे काम किए जा सकते हैं। जहां एक तरफ कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ किसी की जिंदगी बर्बाद भी जल्द कर देती है। और इसकी वजह है हैकिंग। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं हमारा सिस्टम भी कहीं हैकिंग का शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया का 8 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताएंगे। तो चले जानते हैं। नंबर 8, एड्रियन लामो। एड्रियन लामो का बचपन बहुत ही गरीबी से गुजरा था, जिसके चलते इसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। ये उस समय हाईलाइट हुआ जब इसने बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और द न्यूयॉर्क टाइम को हैक कर लिया। एड्रियन लामो किसी कॉफी शॉप में ही बैठकर पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर लेता था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिकी कोर्ट ने इसे $65,000 के जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। नंबर 7, गैरी मैकिनॉन, जिसे इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से जाना जाता है। इन्हें एलियंस और यूएफओ के बारे में जानने की काफी रुचि थी। इसकी जानकारी पाने के लिए इन्होंने सीधे नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया और कुछ इंपोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया था। नंबर 6, अल्बर्ट गोंजालेज। आज के समय में हर कोई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कितना सुरक्षित है यह हम में से किसी को पता नहीं है। ऐसे ही एक अमेरिका के हैकर अल्बर्ट गोंजालेज की कहानी है, जिसने अमेरिका के आधी आबादी लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा बेचकर अल्बर्ट ने करोड़ों कमाए। अभी तक के इतिहास की अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी गई थी, जिसमें अल्बर्ट गोंजालेज ने 17 करोड़ एटीएम नंबर और क्रेडिट कार्ड को बेचा है और इस अपराध के लिए इन्हें 20 साल की सजा हुई। नंबर 5, केविन मिटनिक। केविन जो कि एक कंप्यूटर हैकर है, इन्हें अमेरिकी इतिहास में अब तक का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है। 3 साल जेल में गुजारने के बाद फिर से 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि इसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक किया था। 5.5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में ये कंसल्टेंट का काम करने लगा और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सुरक्षा का टिप्स देने लगा। नंबर 4, जोनाथन जेम्स, जिसे इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड नाम से जाने जाते हैं। ये आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में ही इन्होंने ऐसे कारनामे का अंजाम दिया जिसने इसे सबसे बड़े हैकर का खिताब दिलवा दिया था। इसी छोटी उम्र में इन्होंने अमेरिकी सरकार की लगभग सभी डेटाबेस, जैसे कि रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क को भी हैक करके अमेरिकी सरकार को घुटने के बल ला दिए थे, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी नासा इन्हें कहां छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद जेम्स को उन्हीं के प्रोग्राम से नासा ने इसे पकड़ लिया और इसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सजा भी हुई। नंबर 3, केविन पॉलसन, जो दुनिया के सबसे डार्क दांतों के नाम से जाना जाता है। केविन पॉलसन ने एवज में 100 पोर्स कार जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन हैक कर लिया, जिसके बाद शो जीत गया और इस दौरान इसने 15 मिनट तक सभी के फोन लाइनों पर कब्जा भी जमाए रखा। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉलसन पर FBI की नजर गई, फिर इसने FBI पर ही हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। बाद में इसे इस अपराध के लिए 4 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई। नंबर 2, जिनसन जेम्स अचंता। ये हैकर जो पढ़ाई से ही 10वीं फेल, लेकिन इनके कारनामों से इसे हैकरों के गुरु माना जाता है। सन 2004 में इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया था जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसका लॉगिन जानकारी एक्सेस कर लेता था। इस वायरस की मदद से जिनसन ने घर बैठे ही लगभग 5 लाख कंप्यूटर का डाटा हैक करके दूसरे हैकर को बेचा करता था। जिनसन ने कई सारे वेबसाइट को हैक करके उसके मालिकों से पैसा वसूला। जब FBI ने जिनसन को पकड़ने के लिए 2005 में स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद जिनसन को 5 साल की जेल की सजा हुई और साथ ही और इनसे BMW कार भी छीन ले गई थी। नंबर 1, मैक्स बटलर। मैक्स बटलर एक हैकर और कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो बेनामी समूहों के साथ जुड़ा हुआ था। बटलर का जन्म 1987 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। साल 2009 में बटलर ने एनोनिमस हैकिंग के साथ जुड़कर सारा पोलैंड के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया और ट्विटर पर उसका पासवर्ड प्रकाशित कर दिया। ये बहुत सारे हैकिंग टीम के साथ मिलकर सोनी पिक्चर, फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, GBS किड्स, स्प्राउट टीवी नेटवर्क, नाटो कंप्यूटर सिस्टम और अन्य संस्थानों को हैक करने में शामिल थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 8 सबसे खतरनाक हैकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए VR Mind को सब्सक्राइब करें।